हेलो एवरीवन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एफडीआई के बारे में जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फ़ीचर्स क्या हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को कंसिडर करने चाहिए फ़ॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट को अडोप्ट करते टाइम फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या हैं कौन कौन से मैथड्स हैं जिसके थ्रू फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है फ़ॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट्स क्या हैं और अप्रूवल प्रोसीजर क्या है और एफ डी आई के बेनिफिट्स क्या हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि एफ डी आई होता क्या है देखिए एफ डी आई का मतलब यह है कि जब एक कंपनी किसी फॉरन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पर हम कंट्रीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक है हमारे पास होम कंट्री और दूसरा हमारे पास है हॉस्ट कंट्री होम कंट्री से मतलब है जिस कंट्री के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है इनकॉर्पोरेटेड होती है हम उस कंट्री को तो होम कंट्री कहते हैं और अगर वो कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जा रही है हम उस कंट्री को हौस कंट्री के नाम से बुलाते हैं जब भी कोई कंपनी एफ डी आई रूट को अडॉप्ट करती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट उस कंपनी को यह रहता है कि उनका बिजनेस ग्लोबल हो जाता है ग्लोबल इन द सेंस कि वो दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट्स को भी कैप्चर कर लेती हैं इसी रीज़न से इन कंपनीज को मल्टी नेशनल कंपनीज या फिर ट्रांस नेशनल कंपनीज के नाम से भी बुलाया जाता है जब कोई कंपनी एफ डी आई रूट को अडॉप्ट करती है तो उसके पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं एक ऑप्शन तो ये रहता है कि वो फ़ॉरन कंट्री में जाके अपना पूरा का पूरा नया सेटअप इस्टेब्लिश करती है दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जो फॉरेन कंट्री में एग्जिस्टिंग फर्म है उसकी एसेट्स को एक्वायर कर लेती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मोनिट्री फंड ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में जाए और किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म के टेन परसेंट या टेन परसेंट से ज़्यादा के शेयर्स या फिर वोटिंग पावर को एक्वायर कर ले तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से बुलाया जाएगा अब हम बात करते हैं एफ के फीचर्स के बारे में सबसे पहला फीचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस देखिए जो एफ़ है उसके थ्रू बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट को कैप्चर कर लेता है वहाँ के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट देता है जिससे कंपनी की सेल इंक्रीज़ होती है दूसरा रहता है कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एफ के थ्रू क्या होगा जो एक कंपनी है वो फ़ॉरन कंट्री में जाकर किसी भी कंपनी को कैप्चर करेगी और उसकी मैनेजमेंट में, में पूरा का पूरा अपना कंट्रोल कर लेगी देन वी हैव टाइम हराइजन देखिए एफ डी आई जो है ये इन्वेस्टमेंट है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कॉस्टली होती है और इिवर्सिबल डिसीजन होता है तो जब भी कोई कंपनी एफ डी आई रूट की तरफ मूव करती है तो बहुत सोच समझ के करती है और बहुत लंबे वक्त की इन्वेस्टमेंट लेकर चलती है देन वी हैव मिनिमम कैपिटल एक्विजीशन जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एफ डी आई की डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैप्चर करेगी तो मिनिमम टेन परसेंट शेयर्स या फिर टेन परसेंट वोटिंग पावर को कैप्चर करना ज़रूरी है तभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी देन वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एफ़ का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है हॉस कंट्री को कि जब कोई कंपनी उनकी कंट्री में आती है तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलती हैं जिससे कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वो कंपनी हॉस्ट कंट्री में जाके प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है जिससे कि हॉस्ट कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ एफ एंड फ्रेश इशू ऑफ़ कैपिटल एफ का सबसे बड़ा बेनिफिट एक कंपनी को क्या रहता है कि वो फ़ॉरन कंट्री में जाके अपना पब्लिक इशू भी लेकर आ सकती है लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपने फ़ॉरन कंट्री से पैसा रेज किया है तो उस पैसे को उसी होस्ट कंट्री में ही इन्वेस्ट करना होगा आप उस पैसे को रिपेट्रिएट नहीं कर सकते हो अपनी होम कंट्री में अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को कंसीडर करने चाहिए एफडीआई रूट को अडॉप्ट करते टाइम सबसे पहले नेचर ऑफ मार्केट जिस भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस कंट्री की मार्केट का साइज़ क्या है ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है ये दिमाग में रखना चाहिए लेवल ऑफ कंपटीशन से मेरा मतलब ये कि जो प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री में ऑफ़र करने वाले हैं क्या उस कंट्री में ऐसी और भी फर्म्स हैं जो आप जैसा प्रोडक्ट ही ऑफर कर रही हैं और कितना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है दैन वी हैव टारगेट कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ ट्रांसपोटेशन इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा होस्ट कंट्री का उतना ही ईजी होगा आपके लिए अपने बिजनेस को रन करना और एक्सपैंड करना देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टारगेट कंट्री जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ की इकनॉमिक कंडीशन कैसी है वहाँ के लोगों के पास पैसा है या नहीं अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो स्पेंड करेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट को होस्ट कंट्री में सेल करना दैन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है एफ को लेके? अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लिबरल है तो एक फॉर्म को बहुत बेनिफिट रहेगा और उस फॉर्म को उस कंट्री को कंसिडर करना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट एफ के फेवर में होती है दैन द पोलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा होगा होस कंट्री के अंदर तो उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा आपके बिजनेस के ऊपर इसलिए पोलिटिकल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए एफ डी आई इन्वेस्टमेंट से पहले अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई के बारे में सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट अपनी होम कंट्री में बना रहे हैं सेम वैसा ही प्रोडक्ट आप होस्ट कंट्री में जाकर भी प्रोड्यूस करने वाले हैं देन वी हैव वर्टिकल एफ डी आई वर्टिकल एफ डी आई कहता है कि जो प्रोडक्ट आप अपनी होम कंट्री में बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है आप उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन क्या करेंगे होस्ट कंट्री में जाकर करने वाले हैं दैन वी हैव कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमोरेट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप अपनी होम कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप होस्ट कंट्री में बनाएंगे मतलब आप बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे जब आप एफ डी आई के थ्रू होस्ट कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे दैन वी हैव प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एफ डी आई का मतलब ये होता है कि एक कंपनी क्या करेगी दूसरी कंट्री में एंटर करेगी और अपना प्रोडक्ट बनाएगी और जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी उसे थर्ड कंट्री में क्या करेगी एक्सपोर्ट करेगी आई एम इन टाइप्स को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक होम कंट्री है वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हेउंडेई कंपनी है और ह्योंडेई बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है तो हम यहाँ मानेंगे जो होम कंट्री है वो साउथ कोरिया है सबसे पहले बात करते हैं बैकवर्ड वर्टिकल एफ डी आई यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए साउथ कोरिया ने इंडिया के अंदर अपना एक प्लांट सेटअप किया रॉ मटेरियल के लिए अब हिउंडाई कंपनी कार्स बना रही है और इंडिया में मान लीजिए उन्होंने कार के फ्रेम बनाने के लिए पूरा का पूरा सेटअप लगाया तो जो कार के फ्रेम्स हैं स्टील के फ्रेम्स हैं वो तो इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इंडिया में फ्रेम्स बनने के बाद वो साउथ कोरिया में भेजे जाते हैं और फिर वहाँ पर पूरी की पूरी कार असेंबल की जाती है इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम बैकवर्ड वर्टिकल एफ के नाम से बुलाते हैं देन वी हैव होरिजेंटल एफ हॉरिजेंटल में क्या होगा कि साउथ कोरिया अपनी कंट्री में तो कार बनाएगा ही बनाएगा सारा रॉ मटेरियल सब कुछ अपनी कंट्री से ही लेगा सिमिलरली वो इंडिया के अंदर मान लीजिए उन्होंने अपना एक प्लांट सेटअप किया और इंडिया में पूरी की पूरी कार बन रही है सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ही अवेलेबल करवाया जा रहा है तो हम इसको हॉरिजेंटल एफ के नाम से बुलाएंगे देन वी आर फॉरवर्ड वर्टिकल एफ मान लीजिए साउथ कोरिया ने यू के अंदर क्या किया एक सप्लाई चेन को कैप्चर कर लिया एक वहाँ पर कंपनी थी जिसके कई सारे शोरूम्स थे अमेरिका के अंदर तो साउथ कोरिया ने किया ये कि ह्यूंडई कंपनी ने पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन किया वो तो साउथ कोरिया में ही किया लेकिन उन्होंने अमेरिका में अपनी कार को सेल करने के लिए वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको कैप्चर कर लिया एक ऐसी फर्म को कैप्चर कर लिया जिनके बहुत सारे शोरूम्स थे अमेरिका के अंदर तो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो तो साउथ कोरिया में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको सेल कहाँ किया जा रहा है अमेरिका में सेल किया जा रहा है वहाँ के सप्लाई चेन को कैप्चर करके तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल एफ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्ग्लॉमोरेट एफ का देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कंट्री के अंदर तो कार्स बना रहा है और जब उसने एफ डी रूट को अडॉप्ट किया तो दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर कर गया मतलब वो अपनी कंट्री में तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा था लेकिन जब वो वो कंट्री में गया तो उसने क्लॉथ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो ये बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री होगी तो इसको कॉन्ग्लॉमरेट एफ के नाम से बुलाएंगे दैन वी है प्लेटफॉर्म एफ डी आई यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि टोयोटा कंपनी है जैसा कि हम सबको पता है कि जो टोयोटा है वो जापान की कंपनी है तो टोयोटा कंपनी ने क्या किया इंडिया के अंदर अपना एक प्लांट सेटअप किया वो अपनी कार्स को इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद इंडिया में कार्स को प्रोड्यूस करने के बाद वो उसको अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोयटा कंपनी सबसे बड़ा बेनिफिट उठा रही है प्रोडक्शन कॉस्ट का अगर वो दूसरी कंट्री में जाकर अपना प्लांट सेटअप कर रही है तो उनका बेनिफिट किस किस सेंस में हो सकता है कि मे भी दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाती है तो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे इसलिए हम इसको प्लेटफॉर्म एफ के नाम से बुलाते हैं जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करती है और थर्ड कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एफडीआई के बारे में देख कई सारे मेथड्स हैं एफडीआई के सबसे पहला तो कि आप फॉरन कंट्री में जाइए और किसी भी एग्जिस्टिंग फॉर्म के वोटिंग पावर्स को कैप्चर कर लीजिए ले लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी वोटिंग पावर जो है वो टेन परसेंट से ज़्यादा की होगी तभी वो एफ का पार्ट मानी जाएगी देन वी एव स्टार्टिंग ए सब्सिडरी आप क्या कर सकते हैं आप अपनी ही कंट्री की एक पूरी की पूरी सब्सिडरी कंपनी फॉरन कंट्री के अंदर सेटअप कर सकते हैं जिसपे पूरा का पूरा हंड्रेड कंट्रोल आप ही का होगा देन मर्जर एंड एक्विजिशन आप फॉरन कंट्री में जाकर किसी और फॉर्म को एक्वायर कर लीजिए देन जॉइंट वेंचर यहाँ पर क्या होगा एक टेम्प्रेरी पार्टनरशिप होगी दो फर्म्स मिलकर होस कंट्री में जाएंगी और अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप करेंगी जब दो फर्म्स पार्टनरशिप करती हैं तो उस पार्टनरशिप को हम जॉइंट वेंचर के नाम से बुलाते हैं अब हम बात करते हैं एफडीआई एंट्री रूट्स के बारे में इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट के बारे में ऑटोमेटिक रूट का मतलब यह है कि जब भी कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उन्हें किसी तरह का गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो डायरेक्टली कुछ सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक रूट का पार्ट है एग्जाम्पल के तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है इंडिया के अंदर सिमिलरली कैपिटल गुड्स हैं अगर हम केमिकल्स की बात करें एग्रीकल्चर की बात करें तो ये ऑटोमेटिक रूट्स हैं लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होगी दूसरा हमारे पास है गवर्नमेंट रूट गवर्नमेंट रूट का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना कंपलसरी है एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर मतलब कोई भी कंपनी अगर इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना चाहती है इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल उनको लेना होगा सिमिलरली अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उनकी ट्रेडिंग करना चाहती है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा डिजिटल मीडिया है प्रिंट मीडिया है ऐसे कई सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं और भी कई सारे सेक्टर्स से हैं जो प्रोहिबिटेड हैं इंडिया में जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ही नहीं जा सकती जैसे कि लॉटरी है फंड्स कंपनी है निधि कंपनी है या रेलवे सेक्टर है यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और वो एक ऐसे सेक्टर में एंटर करना चाहती है जहाँ पर गवर्नमेंट रूट अप्लाई होता है फॉर एक्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा तो अप्रूवल का प्रोसीजर क्या है सबसे पहला जो टास्क रहेगा उनको एक एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी और ऑनलाइन उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पे वो एप्लीकेशन अपलोड करनी होगी सेकंड स्टेप क्या होगा इंडिया के अंदर एजेंसी है इसका नाम है डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका काम क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आती है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए वो उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटिनाइज करते हैं पूरे के पूरे पैटर्न को और ये देखते हैं कि वो कंपनी किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है वहाँ पर एप्लीकेशन को विद इन टू डेज़ फॉरवर्ड कर दिया जाता है इसके साथ साथ डी पी आई आई टी क्या करेगा आर बी आई को भी इन्फॉर्म करेगा कि किसी कंपनी का प्रपोजल आया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकिन यह कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करती है तो अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक परमिशन लेनी होगी दूसरा डी पी आई आई टी को भी वो जो प्रपोज़ल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आया है उस पर फोर वीक्स में अपना कमेंट देना होगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को विद इन सिक्स वीक्स उस एप्लीकेशन पर अपना कमेंट देना होगा अगर उस एप्लीकेशन में किसी भी पॉइंट पर डी को कोई डाउट होगा तो वो एप्लीकेंट से उस पर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और एप्लीकेंट को वन वीक का टाइम दिया जाएगा क्लैरिफिकेशन का अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उनकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 775 मिलियन डॉलर या 50 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन लेना कंपलसरी है अगर ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं और अगर किसी कंपनी को एन मिल जाती है तो थर्ड स्टेप में विद इन एट टू टेन वीक्स फाइनल अप्रूवल कंपनी को दे दिया जाता है और वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है अगर हम इंडिया में एफ की बात करें तो ये टॉप टेन कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है फ्रॉम अप्रैल 2000 थाउजेंड टू दिसंबर टू जैसा आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मॉरिशियस का इंडिया में दैट इज़ थर्टी वन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट सेकंड नंबर पर सिंगापुर है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू परसेंट है और सबसे लास्ट में यू है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन है अब हम बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या रहते हैं सबसे पहला तो इंक्रीज़ इन डिमांड जब भी कोई कंपनी एफडीआई रूट के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में कैप मैंटर करती है तो वहाँ की मार्केट को कैप्चर कर लेती है तो बेनिफिट क्या रहता है कंपनी को कि वो वहाँ की मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को जब सेल करेगी तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और कंपनी का टर्न इंक्रीज़ हो जाता है डाइवर्सिफ़िकेशन किस सेंस में होता है कि अब वो कंपनी कई सारी कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो तो वहाँ पर क्या होगा उस कंपनी की सेल नहीं निकलेगी लेकिन अगर जो दूसरी कंट्रीज़ है अगर वहाँ पे अच्छी सेल निकल रही है तो जहाँ पर सेल कम हो रही है वहाँ के लॉस को वो दूसरी कंट्रीज़ के प्रॉफिट से कंपनसेट कर सकती है देन वी टॉक अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब एक कंपनी कई सारी कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं जिससे क्या होता है प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं देन इम्प्रूवड क्वालिटी जब कोई कंपनी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझती है और उसी टेक्नोलॉजी को अपनी होम कंट्री में भी लेकर आती है जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है वहाँ के सिटीजन को अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और सिटीजन का लाइफ भी इंप्रूव होता है देन कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन इस सेंस में रहता है कि ज़्यादातर कंपनीज़ क्या करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करती हैं जहाँ पर वो कब बहुत ही कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंडिया में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ती है कई बार कंपनीज क्या करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करती हैं क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल सस्ता अवेलेबल होता है इस तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं अदर बेनिफिट्स क्या रहते हैं कई बार कंट्रीज़ भी दूसरी कंपनीज़ को मोटिवेट करने के लिए कई सारे बेनिफिट्स देती हैं जैसे कि टैक्स बेनिफिट देते हैं एग्जांपल के तौर पे किसी कंट्री ने ऑफ़र किया कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए हम आपको फाइव इयर्स तक टैक्स में एग्जम्शन देंगे तो इस तरह के बेनिफिट्स भी कंपनीज़ एंजॉय करती हैं एफ रूट के थ्रू तो यही मेरा टॉपिक था फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग